नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बंदे भारत। गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की। यह पूछताछ सलमान खान के घर के बाहर मिले धमकी भरे पत्र के बारे में हुई। लॉरेंस विश्नोई और उसके कनाडा बेस्ड साथी बरार यानी गोल्डी बरार पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद लॉरेंस विश्नोई का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने एक्टर सलमान खान का काम तमाम करने की बात कही। इसी सिलसिले में एक पत्र मुंबई में सलमान खान के पिता को भी मिला था। पुलिस के अनुसार सलमान खान के पिता सलीम खान को एक बेंच पर पत्र मिला जहां वे रोजाना जॉगिंग के बाद बैठा करते थे। इसमें जीबी और एलबी का जिक्र था। जीबी का मतलब गोल्डी बरारा हो सकता है। बाद वाला लॉरेंस विश्नोई के संदर्भ की तरह लगता है जो स्पेशल सेल की हिरासत में है। इस लेटर में सलमान खान को मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद सलमान खान की सुरक्षा महाराष्ट्र पुलिस ने बढ़ा दी थी। पत्र के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस विश्नोई को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। पूछताछ में लॉरेंस ने दिल्ली में बताया कि इस पत्र में उसका कोई हाथ नहीं है। उसे नहीं पता कि यह धमकी किसने दी। इस बार उसका कोई हाथ नहीं है। पत्र में एलबी और जीबी लिखा है। जीबी का मतलब गोल्डी बरार और एलबी का मतलब लॉरेंस विश्नोई। विश्नोई ने पुलिस को बताया कि गोल्डी की सलमान खान से कोई दुश्मनी नहीं है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हो सकता है कि उसके नाम पर किसी ने शरारत की हो या फिर किसी दूसरे गैंग का काम हो। हर पहलू पर जांच चल रही है। बता दें कि मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने कहा कि हम धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं और जरूरी कदम भी उठा रहे हैं। अभिनेता की सुरक्षा पर हम सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते। इस बीच सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस सलमान के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। वहीं लॉरेंस विश्नोई ने 2011 की फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर हमले की योजना बनाई थी, लेकिन हथियारों के मुद्दे के कारण यह विफल हो गया। गैंगस्टर नरेश शेट्टी को तब अभिनेता पर हमला करने का जिम्मा सौंपा गया था। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।